आज का जो फोकस है, आज का जो मौजू है वो है कि बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस ऑफ NIOS। आप लोग सब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से वाकिफ है, आप लोग सब उसके बारे में शायद बेहतर जानते हैं, बट कभी कभी क्या होता है कि हम लोग को एहसास नहीं है कि हम लोग ये ओपन स्कूलिंग में हम लोग कैसे आते हैं, इसके व्हाट आर द चैलेंजेस, व्हाट आर द प्रोग्राम्स अबाउट इट। सो हाउ डू वी टेक NIOS, ये तीन सवाल जो हमारे हैं वो तीन सवाल को हम लोग फोकस करेंगे। दीज आर माई मेन सवाल है जो हम आज फोकस रखेंगे कि स्कूल का फ्यूचर क्या है विद रिगार्ड्स टू 20 इयर्स, स्कूल कैसे चलने वाला है, और आज एनवायरनमेंट आपने देखा कि बहुत बदल गया है। व्हाट आर वी डूइंग इन दिस एनवायरनमेंट, व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू, ये एनवायरनमेंट के ताल्लुक से क्या फोकस है, किस तरह हम कर सकते हैं, और आखिर में हम ये बात करेंगे कि बच्चों को क्या सलाहियत चाहिए, क्या स्किल्स चाहिए कि हम इसको आगे ले जा सके, और ये स्किल्स क्या आज जो बोर्ड है, जो स्कूल है, जो जो माहौल है उसमें बच्चों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये हमारे तीन फोकस एरियाज हैं। मेरा काम NIOS के साथ तकरीबन बहुत ज्यादा लंबा तो नहीं है, बट मैंने स्टडी किया है, मैं दिल्ली गया, उनके हेड ऑफिस गया, यहाँ जो IAS के ऑफिसर हैं उनसे मेरी मुलाकात हुई, और आई रियलाइज के बहुत सारी चीजें हम अगर सोचें, अगर हम एक कॉमन पर्सपेक्टिव से देखें तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर अस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि स्कूल की जो अहमियत है, अभी माशाल्लाह एक फिकी करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनके बहुत बेहतरीन ऑनलाइन वर्कशॉप्स होते हैं, आप यूट्यूब में जा सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं, आप उनके फ्री वेबिनार्स देख सकते हैं। तो एक बहुत डॉक्टर अनिर्बन सिंह करके हैं जो फिकी के हेड हैं, उन्होंने एक बहुत प्यारी बात कही, समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, ही सेड कि स्कूल्स हैव स्टॉप्ड, लर्निंग हैज नॉट। तालीम बंद नहीं हुई है, शिक्षा बंद नहीं हुई है, पढ़ाई बंद नहीं हुई है, हाँ स्कूल जो एक स्ट्रक्चर है वो बंद हो गया है, और इससे हमको ये एहसास होता है कि ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो कोशिश है, ये बंद नहीं होनी चाहिए। हमारे बच्चों की जो पढ़ाई है वो अगर आप सोचें वो बंद हो गई है, ऑनलाइन अगर आप सोचें कि ऑनलाइन हमारे बच्चे पढ़ ही नहीं सकते हैं, तो ये जो सोच है ये हमको पीछे लेके चले जाएगी। लास्ट 15 साल में अगर आप देखें तो तकरीबन फॉर्च्यून 500 की जो कंपनीज है वो इतनी बड़ी कंपनीज होती है, वो कंपनीज जो आज दुनिया में ग्लोबल कॉन्ग्लोमेरेट्स कहते हैं, फॉर्च्यून 500 में जो कंपनी का नाम आता है, उनके CEO, उनके जो लीडर्स हैं, उनके ताल्लुक से आता है कि नोकिया हो गया, ब्लैकबेरी हो गया, कोडेक, कॉम्पैक्ट जस्ट गॉट एक्वायर्ड बाय HP, दे आर द कंपनीज दे हैड गॉन बैंकरप्ट। ये वो कंपनी है, ये अनफॉर्चुनेटली इन्होंने अडॉप्ट नहीं किया, इन्होंने अपने आप को राइज नहीं किया, एंड दे गॉट लॉस्ट। अगर स्कूल का यही हाल रहा तो वी माइट ऑल्सो लूज द स्कूल्स, एंड दिस इज द होल आइडिया अबाउट एजुकेशन। अगर हम ये सोचे कि हमारे बच्चे ऑनलाइन पढ़ ही नहीं सकते हैं, तो एक छोटी सी चुटकुला समझिए, छोटी सी कहानी सोचिए। हमने स्कूल में पढ़ा था एक ऐसे आदमी के बारे में, उसका नाम है रिप वैन विंकल। बड़ा अजीब और गरीब वाकया था। रिप वैन विंकल एक ऐसा आदमी है जो 200 साल सो जाता है, गालिबन 100 साल सो जाता है, और वो सोने के बाद जब उठता है तो पूरी दुनिया बदल जाती है। आप 100 साल पहले देखे तो वर्ल्ड वॉर्स हो गई, हमारे मुल्क को आजादी मिल गई, बहुत सारी जंगें हो गई, ऑर्गेनाइजेशन आई बंद हो गई, तो माइक्रोसॉफ्ट आ गया, आज हमारी दुनिया में जो है इंटरनेट आ गया, जो 100 साल पहले नहीं था। तो रिप वैन विंकल ये 100 साल पहले से आता है और देखता है कि पूरी दुनिया बदल गई है, उसको एहसास नहीं है, लोग छोटी छोटी चीज लेके अपने आप से बात कर रहे हैं, उसको मोबाइल के बारे में नहीं मालूम है, वो ट्रैफिक लाइट देख रहा है, वो इलेक्ट्रिसिटी देख रहा है, इतनी गाड़ियां आ गई हैं, उसको पता ही नहीं है कि दुनिया में क्या से क्या हो गया है। पर रिप वैन विंकल सारी जगह से मायूस होता है और स्कूल जाता है, और जब स्कूल जाता है तो स्कूल में क्या देखता है, स्कूल में वही ब्लैक बोर्ड देखता है, वही चौक देखता है, शायद आज थोड़ी स्कूल में व्हाइट बोर्ड आ गए हैं, बट सोच वही है, टेबल वैसे ही रखे हैं, बच्चों को वैसे ही पढ़ाया जा रहा है, उनको पनिश करने के लिए बाहर खड़ा कर दिया जा रहा है, और उसको एहसास होता है कि दुनिया पूरी की पूरी बदल गई, पर हमारा निजाम जो तालीम का है, जो हमारी एजुकेशन की कॉन्सेप्ट है, वो नहीं बदला है। और अनफॉर्चुनेटली ये सिर्फ हमारे मुल्क में, हमारे यानी इस पूरे दुनिया में ये चीज है कि सब जगह हम ये देखते हैं कि एजुकेशन जो है, तालीम, कभी अगर उसको इम्प्रूव करना है तो कभी शायद ये जो पैंडमिक है इससे बेहतर आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। मैं इसकी कोई सराहियत नहीं कर रहा हूँ, अफसोस है मुझे जो तकलीफ हो रही है, बट अगर मैंने एक डॉक्टर अनिर्बन की फिर से वो FIQ के जो सेशंस मैंने सुने, उसमें मैंने ये सीखा कि सुभान अल्लाह, आज पैंडेमिक में अगर आप तालीम को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, आप एजुकेशन को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू गो अहेड। ये सोच है हमारी, ये सोच बदलना बहुत जरूरी है।
सोचिए अगर आपने और मैंने स्कूल पढ़ी तो हमने ये रोमन लेटर्स पढ़े होंगे, MCMXXXIV, इसका क्या मतलब है? अगर मैं आपको पूछूं अभी तो शायद आप में से सिर्फ वही लोग बता पाएंगे जो मैथ्स पढ़ा रहे हैं या उन्होंने रिसेंटली रोमन नंबर्स के बारे में सीखा है। पर आज आपने ये रोमन नंबर्स कहाँ इस्तेमाल किए, आपने इसको कहाँ यूज किया, आपने इसके बारे में क्या पढ़ा? अगर मैं पूछूं, और स्कूल में अभी भी बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, मेरे भाई के बच्चे आए थे, बड़ी अच्छी स्कूल में पढ़ते हैं और ये रट रहे थे, उनको ये भी नहीं मालूम कि इसको जिंदगी में कहाँ इस्तेमाल करना है। तो अगर ये चीज हो जाती है तो हाउ डू वी गो अहेड। तो अगर सिंपल किसी सवाल पर आ जाए तो ये 1000 है, एम का नंबर होता है, सी सेंचुरी 100 होता है, एंड सडनली इट इज 1934। बट वी आर लुकिंग एट दिस नंबर और हम कह रहे हैं कि हम इसको कहां इस्तेमाल कर सकते हैं, वेयर आर वी गोना यूज इट, एंड दिस इज ऑफ नो यूज, एंड दिस इज द होल थिंग अबाउट एजुकेशन सिस्टम। आज अगर रोमन नंबर्स के बारे में हम देखें तो रोमन नंबर सिर्फ शायद आपको घड़ियों में मिल जाए, आपको रोमन नंबर्स की एंटीक घड़ी मिल जाए, पर आज हम बच्चों को जिद करके रुला के रटा रहे हैं। और ये सिर्फ हमारी स्कूल में नहीं, आप कहीं भी चले जाएं, यू नो बहुत सारी यूरोप की स्कूल में घूमा हूं और वहां भी ये चीज कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं क्यों कर रहे हैं, पर चूंकि सब कर रहे हैं तो उनको करना है। ये तो वही मिसाल होगी कल्चर के ताल्लुक से, हम कहते हैं कि लोगों ने पुरखों से कोई काम किया है, हमको भी वही करना है, हमको बदलना नहीं। एंड दिस इज द अनफॉर्चुनेट पार्ट ऑफ अ लाइफ दैट दिस इज ट्रू। ये सही बात हो गई है कि हमारे बच्चे अगर यही करते रहेंगे, यही रटते रहेंगे, और ये डर जो है ये हमारे अंदर आ गया है, ये डर को हमको हटाना है। जो अक्सर वो कहते हैं ना, वो कौन सी स्प्राइट की एड आती है या माउंटेन ड्यू की एड, डर के आगे जीत है, वाकई में डर के आगे जीत है। इट इज ट्रू दैट आज कोरोना से हम डर गए। एक ऐसी चीज जो दिखती नहीं है, एक ऐसी चीज जो दुश्मन नहीं है, एक ऐसी चीज जो इंसान नहीं है, एक ऐसी चीज जो कोई हैवान नहीं है, एक वायरस ऐसा है जिसने आज 4 महीने से हमको घर में बैठा दिया। और ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, ये पूरा का पूरा आलम, पूरी पूरी दुनिया को घेर लिया है। एक वायरस ने ऐसा काम कर दिया है कि आज हमको वाकई में माउंटेन ड्यू के ताल्लुक से कि जो डर है, आज वायरस ने हमको डरा के रखा है। पर एक और एक वेबसाइट है जो बहुत प्यारे अंदाज में कहती है कि अगर ये 3-4 महीने में आपने कुछ अपने बारे में नई सलाहियत नहीं किया, आपने कुछ नया सीखा नहीं, आपने अपने अपने गुस्से को, अपने अपनी नफरत को, जो आज हम देख रहे हैं लोगों के अंदर इतनी नफरत है, सिर्फ एक एजुकेशन के प्लेटफॉर्म में आके जो नफरत लोग दे रहे हैं, इसको अगर आपने नहीं हटाया तो आपने कुछ सीखा नहीं, वाकई में आपका डर आपके ऊपर हावी हो गया। यू नो लोग क्यों लोगों से नफरत करते हैं? लोग इसलिए नफरत करते हैं कि वो कमजोर है अंदर से, वो डरे हुए अंदर से, वो अपने आप से चिड़े हुए, उनकी जिंदगियां बहुत खराब है, उनकी फैमिलीज में उनको किसी ने मोहब्बत प्यार नहीं किया, और ये चीज उनके बाहर जाहिर में दिखता है। हमको ऐसे बच्चे नहीं बनाने हैं, हमको ऐसी उम्मत नहीं बनानी है, हमको ऐसा मुल्क नहीं बनाना है जहां लोग अंदर से खोखले हों। जब सुशांत सिंह ने जो खुदकुशी की, इसके ऊपर अब सारे लोग साइकेट्रिस्ट बन गए, सारे लोग मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर बन गए, पर ये जो अफसोस जो हुआ है ये हर दिन हो रहा है हमारे मुल्क में। आज कोटा, राजस्थान में एक जो जगह है, राजस्थान में कोटा में जो NIIT और JEE की जो पढ़ाई होती है, अनफॉर्चुनेटली वहां बड़ा अजीब और गरीब वाकया है, लोग पंखा इंस्पेक्ट करते हैं। पंखा क्यों कर इंस्पेक्ट करते हैं? कि बच्चे जो चिढ़ जाते हैं वो जाके लटक जाते हैं और खुदकुशी कर देते हैं। जिंदगी इतनी खूबसूरत चीज है, इतनी प्यारी चीज है, आप डर डर के जिएंगे? जिसने छिछोरे करके मूवी बनाई जिसके अंदर कहा जाता है कि जिंदगी कैसे जीना है, मार्क्स आपके लिए जरूरी नहीं है, और वही चीज आपके अंदर आ गई तो आपने क्या जीता, आपने क्या हासिल किया? लोग डर के मारे ड्रग्स ले लेते हैं, दूर चले जाते हैं, लोगों से चिढ़ जाते हैं, शॉर्ट टेम्पर हो जाते हैं। ये हमको कोरोना ने सिखाया कि अपने आप पे आप काबू करें। और आज पूरा घर, पूरा मोहल्ला अपने घर में है, पूरा मुल्क अपने घर में, हमने क्या सीखा? आपने अगर किताब नहीं पढ़ी एक नई इस 4 महीने में, तो आपके पास टाइम की कमी नहीं है, आपके पास विल पावर की कमी है, आपके पास अपनी सहन शक्ति की, आपके पास अपने अपने अंदर की जो काबिलियत है वो अंदर हमने छोड़ दी। ये हमने कोरोना से सीखा। एक क्विज था, बड़ा प्यारा क्विज था कोरोना के ऊपर, कि एक फुलिश आदमी जो है, जो कोरोना के आज जो सोशल डिस्टेंसिंग के जो माशाल्लाह जो ऑर्डर्स आ रहे हैं, मैं महाराष्ट्र में हूं, हमारे जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं, हमारे जो मुल्क के रूल्स हैं, और ये जरूरी है, वो फॉलो नहीं करे तो उसको हम क्या कहते हैं? तो बड़ा अच्छा आंसर लगा मुझे कि एक ऐसा आदमी जो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करे, जो मास्क नहीं पहने, जो लोगों के आगे नहीं जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं? और चूंकि चैट मैंने डिसेबल किया है तो मैं खुद आपको जवाब दूंगा। ये कोरोना से एक वर्ड आता है, इडियट को जुमा करते हैं, तो ये वर्ड जो है वो है कोविडियट। कोवि
कोविड, जैसे कोविड-19 जो आज की जो पैंडेमिक को हमने नाम दिया है, ये कोविडियट इसको कहते हैं, एक आदमी जो आज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन नहीं बनना चाहता है। और ये तालीम आपको बोर्ड नहीं देती है, ये तालीम आपको आपका घर देता है। जो आदमी अपने अपने लोगों के बारे में नहीं सोचता है, शायद अनफॉर्चुनेटली उसके माँ बाप ने वैसी परवरिश उसको नहीं दी। तो कोविडियट जो है, ये एक वो इडियट है जिसने कोरोना के डायरेक्शंस को फॉलो नहीं किया। अनफॉर्चुनेटली ऐसे लोग आज हमको नहीं चाहिए। और ये तालीम की कमी नहीं है, ये सोच की कमी हो गई है। आज हमको लोगों के अंदर सोच पैदा करनी है, हमको बेहतरीन लोग बनाना है। तो कोविडियट से एक और एक मूवी का नाम मुझे आता है, वो है 3 इडियट। ये ऐसी मूवी है, अगर कोई मुझे पूछता है कि अगर जिंदगी में सिर्फ एक मूवी देखनी है, तो मैं कहता हूँ 3 इडियट देखिए। माशाल्लाह बहुत सारे उलेमा से मैं मिलता हूँ, बहुत सारे उस्तादों से मिलता हूँ, और अक्सर लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं देखते हैं, बट जो भी उलेमा ने कहा है कि भाई एक मूवी अगर आपको देखने की इजाजत है और आप देखिए, तो उलेमाओं को मैं कहूंगा कि आप 3 इडियट देख लीजिए। बिसाइड्स बीइंग सच एन अमेजिंग मूवी, इतनी खूबसूरत एक्टिंग जो लोगों ने की है, जो 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 सोच है इस मूवी की, वो इतनी बेहतरीन है कि वाकई में ये मूवी नहीं देखने वाला शायद इससे इल्म से दूर हो जाएगा। मैंने जब मेरी बेटियों को NIS में डालने का इरादा किया, तो जाहिर सी बात है मेरे घर में मेरे वालिद साहब, मेरे बच्चे माशाल्लाह दिल्ली वर्ल्ड स्कूल, बहुत प्यारी स्कूल है, बहुत अच्छी स्कूल है, बहुत नामचीन स्कूल है। और मैंने कहा स्कूल से हमको प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे बच्चे अच्छी स्कूल जाते हैं। मैंने डिसाइड किया कि मुझे कुछ क्रिएटिव करना था, मेरे बच्चों को अलग हटाना था, तो मैंने कहा कि मैं बच्चों को स्कूल से निकाल रहा हूँ। और आप कितने भी बड़े हो जाए मेरे दोस्तों, आप अपने वालदैन के लिए छोटे ही रहते हैं, आप बच्चे ही रहते हैं। तो सबसे पहले नाराजगी तो मेरे अब्बू ने दिखाई कि अब्बू ने कहा कि ये कैसे हो सकता है। तो माशाल्लाह आपके वालिद आपको बेहतर जानते हैं, तो आप आर्ग्यू मत करें, उनकी इज्जत करें। कुरान कहता है उफ भी मत करें, अपने वालदैन से उफ तक नहीं कहें, और उलेमा कहते हैं उफ से छोटा वर्ड आपको नहीं मिलेगा। तो मैंने सिर्फ एक दिन क्या किया, घर में 3 इडियट की मूवी लगा दी और पूरी मूवी हमने देखी, मूवी में इंजॉय किया। अब्बा हंसने लगे, अम्मी हंसने लगे, बच्चे हंस रहे थे। और मूवी के खत्म होने के बाद मैंने अब्बू को कहा, अब्बू मूवी आपको इतनी अच्छी लगी, अब इस पे हम हिम्मत क्यों नहीं करते। हर चीज हम देखते हैं, हमको अच्छी तो लगती है, हमको लगता है कि डॉक्टर्स अच्छे हैं, पर डॉक्टर्स को हम तारीफ नहीं करते। हमको लगता है कि टीचर्स अच्छे हैं, पर टीचर्स की हम इज्जत नहीं करते हैं। तो ये चीज सिर्फ मूवी के ताल्लुक से, किताब के ताल्लुक से, सोच के ताल्लुक से, कि अमल के ताल्लुक से भी आएगी। तो अब्बू ने कहा, बेटा आपको अपने बच्चों को निकालना है, मेरी बेटियां हैं माशाल्लाह। अब्बू ने कहा ठीक है, आप निकालो, हिम्मत करो। और इत्तेफाकन देखिए माशाल्लाह, मैं उस वक्त दिल्ली गया एक कॉन्फ्रेंस में, दिल्ली से मैं रिटर्न आ रहा था, बॉम्बे की मेरी फ्लाइट थी, और उस वक्त एयरपोर्ट में माशाल्लाह मुझे ये साहब मिलते हैं। मैं उनके एतराब मंडरा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं घूम रहा हूँ। मैंने कहा ये तो वही है जिनको आमिर खान ने मूवी में एक्टिंग की थी, ये है सोनम वांगचुक। आमिर खान ने इनका नाम फुनसुख वांगचुक रखा था, इनका असल नाम लद्दाख में रहते हैं माशाल्लाह सोनम वांगचुक है। इनके अभी वीडियोस देख रहे बैंड चाइनीज, बहुत हिम्मत वाले, बहुत प्यार, मतलब इनके अंदर माशाल्लाह जो ह्यूमिलिटी है, जो इनके सारी है, जो कूट कूट के भरी है, सच हम्बल मैन मैंने आज तक नहीं देखा। अल्हम्दुलिल्लाह पहली बार प्लेन लेट होने का मुझे अफसोस नहीं हुआ, मुझे खुशी हुई। 2 घंटे मुझे इनके साथ मिले, मैं इनके साथ बैठा, मैंने पूरा समझा इनका मॉडल। मैंने तो पूछा कि आमिर खान ने जो जो किया है वाकई में सही है, तो मुस्कुरा के बोले बहुत ज्यादा एग्जैजरेशन है, बहुत बड़ा चढ़ा के कहा है, आप डेट देख सकते हैं, बस लास्ट ईयर की डेट है, दिसंबर में मेरी उनसे मुलाकात हुई। और ये ऐसा लगा मुझे एक निशानी मिल रही है ये मूवी के बाद, अनस्कूलिंग के बाद NIS लेने का। मैंने इनसे NIS की बात, मैं ये कहानी नहीं बना रहा हूं, आपके पास डेट्स है। और सोनम साहब मुझे कहते हैं कि NIS इतना अच्छा बोर्ड है, किसी ने मुझे समझाया नहीं, आप मुझे समझाइए। कार्ड लेते हैं, एक्सचेंज करते हैं, और इन्होंने उस बोर्ड की तारीफ की। और आज देखिए दुनिया इनको सराह रही है, इनके पास वक्त नहीं है अपने घर जाने को, बिकॉज हर दिन अगर चाहे तो 4 से 5 इनको इन्विटेशन आते हैं वर्कशॉप सेमिनार के लिए। ये कौन से बोर्ड से पढ़े हैं, और ये तो अपने कॉलेज में, अपने स्कूल इंस्टीट्यूट में सिर्फ फेलियर्स को लेते हैं, जिन्होंने फेल, जो फेल नहीं हुए उनको सोनम वांगचुक लेते नहीं है। मैंने इनको पूछा, इनकी जुबानी मैंने सुना, और एहसास हुआ कि वाकई में तालीम, शिक्षा, इल्म इम्पोर्टेंट है, बोर्ड, ये इंस्टीट्यूशन ये जरूरी नहीं है। पर उसके बावजूद लोग क्यों स्कूल में आते हैं, लोग बोर्ड से क्यों इतना 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 जुड़े हुए हैं, तो ये बोर्ड डिपेंडेंसी कहते हैं। बोर्ड डिपेंडेंसी का मतलब है हमको किसी ने हिम्मत नहीं दी, और हमने मूवीज देख ली, Super 30 देख ली, 3 इडियट देख ली, तारे जमीन पर देख लिए, पर हमको लगा कि ये पिक्चर है, पिक्चर में अच्छी लगती है बात, ये दुनिया में हकीकत में ये नहीं होता है। 3 इडियट का एक कोटेशन है कि कपूर साहब क्या कहेंगे, तो उसमें एक कैरेक्टर है गालिबन जो फोटोग्राफर बनना चाहता है, और उसके उसके जो अब्बू है वो कहते हैं बेटा तो इंजीनियरिंग कर, इंजीनियरिंग कर।
तो कहता है कि अब्बा मुझे ये फर्क नहीं पड़ता कि बाजू वाले कपूर साहब क्या कह रहेंगे, मुझे ये एहसास है कि आप क्या कहते हैं। और वाकई में आज मुझे ये आप लोग से पूछना है कि आप अपने रिश्तेदारों के बारे में मत सोचिए, आप ये सोचिए कि आपके बच्चे आपको पूछेंगे अब्बा अम्मी आपने मेरे बारे में क्या सोचा, ये जरूरी है। जाहिर सी बात है लोगों को सीबीएसई समझ पड़ता है क्योंकि हम स्टेट बोर्ड से निकले, हम सीबीएसई से निकले, मैं खुद सीबीएसई का स्टूडेंट हूं और ऐसा नहीं है कि मैंने कोई बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह जो इल्म मुझे मिला है मेरे टीचर से मिला है। मुझे अभी भी याद है मैं कोलकाता में था और कोलकाता से मैं बाहर आया और कोलकाता में मैंने बंगाली ली थी और मैं जब नई स्कूल जाता हूँ अंडमान में वहां संस्कृत सब्जेक्ट आता है और दिस वॉज अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट। मैंने पहली बार देखा संस्कृत, मेरे दोस्त जो थे बहुत अच्छा बोलते थे संस्कृत, मैं बंगाली पढ़ता था और जुबान जो है वो जुबान किसी कौम की नहीं होती है, जुबान एक एक इंसानियत की होती है, एक मैसेज कन्वे करने की होती है। आज मैं जो देख रहा हूँ जो लोगों के अंदर नफरत की आदत होगी ये हटाना है। उर्दू मुसलमानों की जुबान और संस्कृत गैर मुसलमानों की जुबान नहीं होती है, जुबान तो सिर्फ लोगों को करीब लाने की होती है। तो सुभान अल्लाह जो मेरे उस्ताद थे उस वक्त शुक्ला सर, आज मैं उनकी इज्जत करता हूँ, शुक्ला सर ने मुझे अलग से पढ़ाया, मुझे कहा कि आप आगे करो। और वाकई में संस्कृत तो खैर बोर्ड में नहीं था, जो हिंदी मेरी बहुत कमजोर थी, मेरे स्कूल में बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, अभी भी मेरे दोस्त हैं, अखिलेश हैं, निखिल हैं, पूनम है जो लंदन में है, कोई पेरू में है, मुझे हिंदी में सीबीएसई में सबसे ज्यादा मार्क्स मिले थे, ये सिर्फ मेरे टीचर के वजह से, बोर्ड की वजह से नहीं है, स्कूल की वजह से भी नहीं है, मेरी टीचर के हौसला अफजाई की वजह से मुझे हिंदी के जो बोर्ड के मार्क्स मिले वो मिले हैं। तो ये लोगों के अंदर जो सोच है कि बोर्ड हमको बनाती है, मैं कहता हूँ टीचर्स हमको बनाते। और आखिरी चीज जो रीजन जो स्कूल में है, हमारे अंदर एक डर पैदा हो गया, जो डर की मैं पहले भी बात कर रहा था कि मेरे बच्चा आईआईटी कैसे करेगा, नीट कैसे करेगा, जेईई कैसे करेगा, दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम कैसे करेगा। तो इंशाल्लाह उसको भी मैं आपको इंशाल्लाह आई विल स्पीक अबाउट इट, आई विल गिव सम आंसर्स टू इट, बट दिस इज द पर्सपेक्टिव वी आर ट्राइंग टू गिव। तो सबसे पहले आइए विल टॉक अबाउट द एंटायर पर्सपेक्टिव, व्हाट हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट, एंड बोर्ड क्यों हम ले, कौन सा बोर्ड ले, जो फिकर हमारे बोर्ड के ताल्लुक से है, व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट फॉर बोर्ड। एक मिनट, बोर्ड के ताल्लुक से जो जो मैसेज आया है कि हमको जो बोर्ड है एनआईएस वो क्या बोर्ड है। मैंने कहा ना हम लोग ने स्टेट बोर्ड, आप गुजरात बोर्ड से पढ़े होंगे, कोई महाराष्ट्र बोर्ड से पढ़ा है, कोई दिल्ली बोर्ड से पढ़ा है, कोई सीबीएसई से पढ़ा है। द पॉइंट बीइंग कि व्हाई इज एनआईएस, और यहाँ किसी बोर्ड की एक चीज जो आप कॉन्सेप्ट एक दिमाग में रख लीजिए कि मैं एक बोर्ड के बारे में तारीफ करूं या उसके बारे में अच्छा ही बताऊं तो दूसरा बोर्ड खराब नहीं हो जाता है। ये प्रॉब्लम हमारे अंदर है कि मुझे जीतने के लिए आपको हारने की जरूरत नहीं है, हम सब जीत सकते हैं। जहां हम एनआईएस के बारे में उसके फवायद, उसके फायदे, उसके बेनिफिट, उसके चैलेंजेस के बारे में बात करने वाले, इससे ये पता चला कि सीबीएसई खराब हो गया या आईजीसीएसई खराब हो गया, जिसका मैं अफिलिएटेड मेंबर हूं, आईजीसी स्कूल का मैं अफिलिएशन दिलाता हूं, मुझे बहुत पसंद है कैम्ब्रिज बोर्ड, पर इसका ये मतलब नहीं है कि एनआईएस अच्छा है तो कैम्ब्रिज खराब हो गया। एनआईएस के बारे में हम बात करते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के बारे में चार बात करेंगे हम अगले आधे घंटे में, एनआईएस के बारे में बात करेंगे, ये बोर्ड क्या है, गवर्नमेंट के क्या रेगुलेशन है इसके बारे में, कौन से सब्जेक्ट है इसके अंदर, आगे इसके ऑप्शंस क्या है, इसके एग्जाम के बारे में क्या है, और हम जो फिक्र करते हैं मुझे आगे स्टडीज करना है, मुझे कहीं बाहर जाना है, मुझे आईआईटी जाना है, मुझे कॉलेज जाना है, तो एनआईएस के बच्चों के ताल्लुक से क्या है, और बहुत सारे जो मिसकंसेप्शन है, बहुत सारी बातें हैं, एनआईएस बोर्ड में कम मार्क्स मिलते हैं, उसके सेंटर्स यहाँ वहां चले जाते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो एनआईएस में एक आज सिर्फ एक आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूं, तकरीबन 2 मिलियन बच्चे, 2 मिलियन स्टूडेंट्स हैव स्टडीड इन द लास्ट 15 इयर्स। लास्ट 15 इयर्स में एनआईएस में 15 सालों की मैं बात करूं तो 2 मिलियन, और ये एक छोटा नंबर नहीं है, 2 मिलियन इज अ बिग नंबर, इज अ वेरी ह्यूज नंबर। बाय द वे एनआईएस इज लाइक अ नेशनल बोर्ड। अगर मैं कैम्ब्रिज की बात करूं या आईबी की बात करूं, जो इंटरनेशनल बोर्ड है वो हमारे देश से, वो हमारे मुल्क के नहीं है, वो अच्छे बोर्ड है बट दे आर नॉट फ्रॉम इंडिया। एनआईएस नेशनल इंस्टीट्यूट इज अ रिकॉग्नाइज्ड इंडियन बोर्ड। ये लाइक सीबीएसई जैसा है, सीएससी, आईसीएससी जिसको कहते हैं, सर्टिफिकेट इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी काउंसिल एजुकेशन, ये एनआईएस इज ऑन पार विद दैट, ये उनके बराबर है।
मैं मेरे एक बहुत करीबी समझिए जिनको मैं गुरु मानता हूँ प्रोफेसर हरीश चौधरी, उनके कॉन्फ्रेंस में प्रोफेसर राजा राम से मेरी मुलाकात हुई। प्रोफेसर राजा राम मुझे कहते हैं कि बेटा ऐसा समझो, अभी बहुत जईफ है, बड़ी उम्र के हो, कहते हैं समझो कि सीबीएसई का छोटा भाई है, छोटी बहन है एनआईएस। वो कहते हैं कि मैं 1990s में एनआईएस के सीबीएसई के सेल में था जब एनआईएस की पैदाइश हुई, जब उसको बनाया गया, जब उसको फैलाया गया। हाँ, एनआईएस आप एक ऐड देखते हैं जो म्यूचुअल फंड्स के बारे में आता है। मैं कोई फाइनेंस वाला ना हूँ, वो तो माशाल्लाह अवेश साहब और उनके फैमिली में फाइनेंस ज्यादा जानते हैं, माशाल्लाह अल्लाह उनको और रिस्क दे और आप लोग को भी दे अल्हम्दुलिल्लाह। बट फाइनेंस में म्यूचुअल फंड की एक बड़ी प्यारी ऐड की सीरीज आई थी कि म्यूचुअल फंड क्या है, और वो एक टैग लाइन है जो कि मुझे बता दे, टैग लाइन है कि म्यूचुअल फंड के बारे में लोगों को पता ही नहीं है, इसीलिए लोग उससे डरते हैं और इन्वेस्ट नहीं करते थे। एनआईएस इज समथिंग लाइक दैट। NIS वो म्यूचुअल फंड के बारे में है कि आपको मालूम नहीं है उसके बारे में, इसीलिए हम डरते हैं, हमको एहसास ही नहीं है, हम उससे दूर हो जाते हैं। तकरीबन 350,000 बच्चे हर साल NIS के बोर्ड में आते हैं। हर साल NIS के बोर्ड में 3.5 लाख स्टूडेंट्स कम ऑन NIS बोर्ड एनुअली। इट इज द लार्जेस्ट ओपन स्कूलिंग बोर्ड इन इंडिया, दिस इज इन द वर्ल्ड रादर द लार्जेस्ट ओपन स्कूलिंग बोर्ड एंड इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोग्राम दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। अब NIS में जो सबसे ज्यादा फवाइद है, जो फायदे हैं NIS के ताल्लुक से, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ NIS, जो मैं बात करना चाहूं तो बताना चाहूं तो, सबसे पहले तो एज आई सेड इट्स अ लीगल गवर्नमेंट बोर्ड। तो क्या होता है कि लोगों को जो डर लगता है, और आई विल टॉक अबाउट दिस कि व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट द लीगल गवर्नमेंट बोर्ड एंड व्हाट आर वी मेंशनिंग अबाउट इट, कि इसके अंदर जो चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स है ये बहुत है। यू नो यू आर टॉकिंग अबाउट ह्यूज, I hope you can see my screen. मैं जो वाकई में NIS के ताल्लुक से जो एक बहुत प्यारी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि with regards to NIS, one very important thing I've learned is fees तो कम है, economical है, no doubt about it. आप इसके exams के जो scheme देखते हैं, it's on demand examination. So जो exams भी है, these are on demand examinations. You can choose your time, you can write exam at your pace. CBSE तकरीबन आपको 6 या 3 chances देता है, NIS ज़्यादा chances देता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि बहुत सारे चांसेस ले लें, हमेशा ये जो कॉन्सेप्ट आता है कि NIS आपको बहुत चांस देता है, हम CBSE में IGCSE में ये नहीं कहते, इसलिए नहीं कहते हैं कि हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं बहुत स्मार्ट हैं, दे कैन अटेम्प्ट इन द फर्स्ट थिंग इटसेल्फ, बट द पॉइंट बीइंग NIS इज गिविंग यू अपॉर्चुनिटीज। आपके अच्छे जो बच्चे हैं, अगर आपको लगा कि मुझे 70 मिले, मुझे 90 चाहिए थे, यू कैन री अटेम्प्ट और बेस्ट ऑफ द मार्क्स दिए जाएंगे। और मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि माशाल्लाह सचिन तेंदुलकर NIS के स्टूडेंट है, तो आप क्यों घबरा रहे? यू नो, दुनिया में कामयाब होना या नाम करना ये एक हुनर की बात है, ये बोर्ड की बात नहीं है। तो जो डर हमारे अंदर है NIS के ताल्लुक से, ये बड़ा अजीब और गरीब डर है। वी शुड लुक एट दिस एंड वी शुड नॉट बी वरीड अबाउट। NIS में जो सब्जेक्ट की चॉइस आपके पास है वो ये है कि जो फिजिक्स है, अगर आप समझे कि साइंस मुझे लेना है पर मुझे बिजनेस भी बनना है, मुझे एंटरप्रेन्योर भी बनना है, जैसे गुजराती में कहते हैं व्यापारी भी बनूच बने, तो आप फिजिक्स भी ले सकते हैं अगर आपका वो शौक है, और आप बिजनेस स्टडीज कर सकते हैं। ये जो कॉम्बिनेशन है ये कोई बोर्ड आपको नहीं देता है, ये बोर्ड देता है तो स्कूल वो ऑफर नहीं करती है। NIS में चूंकि आप इंडिविजुअल स्टूडेंट हैं, अगर आप स्कूल के अंदर भी हैं तो आप इंडिविजुअल स्टूडेंट बन सकते हैं, तो यू आर एबल टू गेट सम अमेजिंग चॉइसेस। जाहिर सी बात है दूसरे जो अपॉर्चुनिटीज आपके पास है, आपके पास होम साइंस है, एनवायरमेंटल स्टडीज है, मास कम्युनिकेशन, डेटा एंट्री, साइकोलॉजी, देयर मेनी मेनी अपॉर्चुनिटीज दैट यू कैन गेट एंड दिस इज अमेजिंग अबाउट NIS। अगर 10th की एग्जाम की हम बात करें तो मिनिमम 5 एंड मैक्सिमम 7 सब्जेक्ट्स आपके पास होते हैं। आप बहुत सारे सब्जेक्ट्स की चॉइस ले सकते हैं। फॉर मी इंग्लिश एज अ लैंग्वेज आप ले सकते हैं, आप उसके अंदर अरबिक, आप उर्दू, आप हिंदी, मराठी, बंगाली, मलयालम, यू नो मैं नहीं, गुजराती, या दीज आर ऑल द सब्जेक्ट्स आर अवेलेबल। लैंग्वेजेस तो 17 जुबान अवेलेबल है NIS में, पर अगर आप 2 जुबान ले लें, आप 2 मैक्सिमम लैंग्वेज ले लें, और उसके बाद आप मैथ, साइंस, आप एनवायरमेंटल स्टडीज, बिजनेस स्टडीज ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं। ICT जिसको डेटा एंट्री कहते हैं, दैट इज अ लवली सब्जेक्ट। NIS आपको ये अपॉर्चुनिटीज देता है एंड इट इज अबाउट ओपनिंग आर्ट्स करके, पेंटिंग करके एक सब्जेक्ट है अगर आपको लगता है, एंड दीज आर सम सब्जेक्ट विच कैन यूज एज मच एज यू वॉन्ट। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चार्ट है, ये ओनली टेक्निकल पार्ट में जो आपसे बात करूंगा और आई विल एक्सप्लेन दैट टू यू, एंड दिस इज दैट NIS में कैसे बच्चे आगे बढ़ेंगे। तो ये एक डिसएडवांटेज है ना इसका, मैं आपको जाहिर बताऊंगा कि आप जब ऑर्डर करते हैं या आप ऑनलाइन लेते हैं तो आपको किताबें नहीं मिलती। इसके लिए आपको एक स्टडी सेंटर ढूंढना होगा जहां थोड़ी पहले से किताबें हैं। कभी कभी ये बोर्ड इतना एक्टिव नहीं है जितना शायद CBSE है,
मे बी इट्स लैक ऑफ फंड्स, मे बी द लैक ऑफ मे बी द ब्यूरोक्रेसी जो अंदर है, बट इसके अंदर स्ट्रक्चर जो है जो बहुत अच्छा है. जैसे कहते हैं इंटेंशन अच्छे हैं, एग्जीक्यूशन अच्छा नहीं है, ये एक एनआईएस की डिसएडवांटेज है, मैं एग्री करता हूँ. बट अगर आप एनआईएस को देखें तो क्लास 3 जो सीबीएसई का है इसके अंदर ओबी लेवल है, ओपन बेसिक एजुकेशन लेवल ए, लेवल बी और लेवल सी. सो ओबी जो लेवल है वो क्लास 3, क्लास 5 और क्लास 8 के लेवल में है. इसके भी एग्जाम्स होते हैं, आपको एक टीएमए करके ट्यूटर लेड मार्क्स आते हैं. सो यू कैन यूज दैट एंड यू कैन अपियर फॉर देयर असेसमेंट ऑल्सो. के एक सिस्टर ने मुझे फोन किया और उन्होंने पूछा कि मेरा बच्चा क्लास 3 से आगे जा रहा है तो कैसे पता चलेगा उसने सीखा कि नहीं सीखा. तो मैंने कहा एनआईएस की वेबसाइट में बहुत सारे पीडीएफ तो नहीं है बट अक्सर पीडीएफ आपको मिल जाएंगे जो वो सब्जेक्ट के ताल्लुक से हैं और वो आप देख के आप पता कर सकते हैं कि इतना आपको पढ़ना है और इतना आपकी जरूरत है. और क्लास 3, 5 और 8 में एक कॉन्सेप्ट आता है टीएमए. 10th में और 12th में भी एनआईएस के जो एग्जाम्स होते हैं उसके टीएमए कॉन्सेप्ट है. टीएमए इज लाइक असाइनमेंट. तो आप ये ट्यूटर मार्क, ये 20 मार्क के असाइनमेंट होते हैं, आप ये असाइनमेंट लिखिए अपने स्टडी सेंटर में दीजिए और आपको पूरे के पूरे मार्क मिल सकते हैं बेस्ड ऑन इट. मैं इग्नो से मैंने एमए किया और मैं ये समझता हूं कि आज ये डिस्टेंस लर्निंग, ओपन स्कूलिंग, दे आर द नॉर्म्स टुडे. ये पहले के जमाने में ऐसा था कि अगर कुछ नहीं हुआ तो स्पेशल एजुकेशन के बच्चे हैं, मेरा बच्चा फुटबॉल खेल रहा है तो एनआईएस करे. आज रॉकेट साइंटिस्ट बन सकते हैं आप एनआईएस करके, ये कॉन्फिडेंस है और लोगों ने किया है. क्या दलील है मेरे पास? तो वेल लेट मी गो अहेड. ये एक बड़ा अजीब और गरीब वाकया होता है कि आप एनआईएस के ताल्लुक से गूगल सर्च करेंगे तो आपको नेगेटिव न्यूज बहुत मिलेगी. और जो कि आज बहुत फेसबुक के वजह से यू नो नेगेटिव न्यूज, फेक न्यूज इतनी आम हो गई है, तो आप अक्सर देखेंगे कि मैं एनआईएस में आया मुझे बहुत खराब मार्क मिले. अभी भी आप देखें तो जो साहब है, जो भी जिनका भी पेपर या एक दो खाली मार्कशीट आप गूगल में ढूंढ सकते हैं और मार्कशीट के मार्क्स देखेंगे तो आपको कभी कोई हौसला नहीं आएगा कि मैं एनआईएस से दूर भाग जाऊं. मैंने वाकई में वो मार्कशीट रखी है, 35, 37, 67, 36 जो भी मार्क्स है. तो लोगों ने जो आप, मैंने रिमेम्बर आपको पहले क्या कहा था, अभी तक तकरीबन 2 मिलियन और एक साल में 3.5 लाख लोग एग्जाम लिखते हैं. आपको नेगेटिव न्यूज ज्यादा जल्दी मिल जाएगी मोर देन पॉजिटिव न्यूज. तो ये जो आप सुन रहे हैं, एक मेरी अम्मी ने मुझे बताया था, इट्स कॉल्ड फैलेसी ऑफ नॉन ऑब्जर्वेशन. बड़ा अजीब है, आपको जो देखना है आप वही देखते हैं. आप इतनी आज जो सेशन है, हमको अगर गंदगी देखनी है हमको गंदगी दिख रही है, और है वाकई में है ऐसी सोच, ऐसे सोच वाले. पर अगर अच्छाई देखनी है तो आज इंशाल्लाह हम अच्छाई लेके जाएंगे और हमको एहसास होता है कि दिस इज व्हाट द रियलिटी इज. और मैं अक्सर कहता हूं कि अगर 10th की मार्कशीट पे किसी की शादी होनी होती तो आज सब हम कंवारे रहते, किसी की शादी नहीं होती. आपको आपके खुद के 10th के मार्क्स नहीं आपको याद होंगे तो व्हाई आर वी सो वरीड अबाउट इट. दिस इज द प्रॉब्लम कि आपको जो मार्कशीट, आपको जो रिव्यूज मिल के, आपको जो कोरा में आंसर मिल रहे वो सारे नेगेटिव है. बिकॉज 2 मिलियन लोगों में अगर 20 लोग ने भी नेगेटिव लिख दिया तो नेगेटिव बार बार आता है, लोग उसको लाइक करते हैं, लोग उसको बढ़ाते हैं और वो आपके सामने आता है. तो मैंने आज कुछ कंपाइल किया है, आई हैव क्रिएटेड सम पॉजिटिव्स फॉर यू. ये एक एनआईएस की वाकई में मार्कशीट है. ये एक साहब है मानस हरि स्वरूपा. ही लुक एट द मार्क्स दैट ही हैज ग्रेजुएटेड फ्रॉम एनआईएस. उनके जो मार्क्स है उनको इकोनॉमिक्स बहुत पसंद था. मे बी रघुराव राजन जो हमारे गवर्नर थे वो बनना चाहते थे ये मानस. और मानस के आप स्टडीज देखिए, इकोनॉमिक्स में मार्क्स देखिए, ही गॉट 97 मार्क्स. शायद ये हमारे सामने कभी नहीं आते. अगर मानस आज कोई ऐसे इंस्टीट्यूट जाना चाहे जहां इकोनॉमिक्स है लीड है तो ही कैन ऑलवेज बी स्मार्ट. और ये नॉर्थ साउथ की बात नहीं, माशाल्लाह मैं समझता हूँ गुजरात में भी बहुत टैलेंट है और देयर सम अमेजिंग पीपल दैट हैव कम फ्रॉम योर स्टेट. एंड आई नो इट्स अमेजिंग कि हर स्टेट में ऐसे लोग हैं जिसको हम आगे बढ़ाएं. एंड दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. कभी कभी लोग डर जाते हैं, जैसे मैंने कहा ना वो मार्कशीट, इसके पहले वाली अगर मार्कशीट लेते तो आपका निकाह नहीं होता, पक्की बात है. पर अल्हम्दुलिल्लाह 10 से निकाह की कोई रिलेशनशिप नहीं है. पर दीज आर द पॉजिटिव्स आई वांट टू गिव यू. पर ये तो एक है, मैं और कुछ बता सकूं तो ये देखिए, अगर मैं एक लेके आ रहा हूं तो ये जो है ये चेन्नई के अर्जुन भारत है. और यहाँ ये चीज है कि जो हौसला है, जो तालीम है, आज चेन्नई और तमिलनाडु और केरला जो है, आंध्र प्रदेश जो है, वहां इतने ज्यादा जहनी लोग क्यों आते हैं. आप सुंदर पिक्चर को ले ले, आप जहां से जहां लोगों को देखें, दे आर लीडिंग बिकॉज दे आर वर्किंग वेरी हार्ड. उनको इल्म की जो एहसास है वो ये हो गया है. मैं अक्सर कहता हूं जिस कौम के ऊपर इकरा नाजिल हुआ वो कौम इकरा से इतनी दूर हो गई है. ये चेन्नई के अर्जुन भारत जो है तमिलनाडु के आईआईटी जेई में फर्स्ट आते हैं, फर्स्ट.
ये तो मिसाल उन्होंने कायम कर दी। आज अर्जुन भारत आईआईटी चेन्नई में पढ़ रहे हैं, उन्होंने एनआईएस से पढ़ाई की, 96% उनको मिले। अमेजिंग इजंट इट। क्लास 12th में आपको किसी ने भी कहा कि एनआईएस पढ़ के आईआईटी नहीं क्रैक कर सकते, तो मैं बताना चाहता हूं, देखिए ये आपके सामने है, आप गूगल कर दीजिए, ये प्रेजेंटेशन आप ले लीजिए, ये हमारे ऊपर है कि हम कितनी तालीम हम मेहनत कर सकते। अर्जुन भारत का इंटरव्यू भी है यूट्यूब में, और उनको पूछा गया तो उन्होंने कहा एनआईएस इज सिमिलर टू सीबीएसई, ओनली इट इज मोर कंडेंस एंड स्लाइटली इजियर। तो अर्जुन क्या कहते हैं, एनआईएस बिल्कुल सीबीएसई जितना है, पर ये ज्यादा कंडेंस है, मतलब मुझे आसानी से पढ़ाई करने को मौका मिला और आसान है, इसलिए मैं मेरे एनआईटी आईआईटी के ऊपर मैं ज्यादा मेहनत कर सका। अर्जुन मेहनत करते थे, दिन में 6 से 7 घंटे पढ़ाई करते हैं, सैटरडे संडे 12 घंटे पढ़ाई करते हैं, और कहते हैं मैं बैडमिंटन भी खेलता हूं। तो इंग्लिश में कहावत है ना, ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय, सो अर्जुन इज नॉट अ डल बॉय। तो कैसे हमको एहसास हो गया कि एनआईएस से आप कोई भी एंट्रेंस क्रैक कर सकते हैं, ये कोई बोर्ड वाला एंट्रेंस नहीं है, ये मेहनत वाला एंट्रेंस है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, एक और एक रिपोर्ट आपको मैं बताना चाहता हूं कि एनआईएस के स्टूडेंट, देखिए आपके सामने रिपोर्ट है, एनआईएस के स्टूडेंट शाइन्स ब्राइट इन जेईई एडवांस। ये दो ऐसे मुहूर्त है, सूरत कल, कर्नाटक है थोड़ा ऊपर आ रहे हैं माशाल्लाह, तमिलनाडु से आंध्रा गए, आंध्रा से और ऊपर आ रहे हैं, इंशाल्लाह महाराष्ट्र गुजरात में भी एग्जाम्पल्स आएंगे, पर किसी ने ऐसा, अब बहुत मिसाल आपको मिल रहे हैं, मेरे पास एग्जाम्पल्स हैं, आपके पास टेस्टिमोनियल्स हैं कि आप एनआईएस पढ़े, आप मेहनत करें, आप जिंदगी में जहां जाना चाहें, इट इज नॉट अबाउट बोर्ड, इट इज अबाउट योर विल पावर, इट इज अबाउट योर टीचर्स, इट इज अबाउट योर एफर्ट्स दैट यू पुट इन, ये आपको बोर्ड आगे ले जाता है। तो एडमिशन के तालुक से अगर कोई मुझे सवाल पूछता तो मैं कहता हूं एनआईएस एज अ लॉ, जैसे सीबीएसई के रिजल्ट है, स्टेट बोर्ड के रिजल्ट है, आप बिल्कुल एनआईएस ले सकते हैं। ये गजेट है, इंडिया का गजेट है कि मिनिस्ट्री, एचआरडी मिनिस्ट्री ने ये पास किया है कि एनआईएस हैज, लाइक कोई कॉलेज आपको मना कर दे एनआईएस के मार्क्स में नहीं लेने के लिए, तो वो कॉलेज को बाई द लॉ कैन बी डी एफिलियेटेड, उनको बंद करा जाएगा, ऐसा ऐसा हो सकता है। जाहिर सी बात है, वो आपको ये नहीं बोलेंगे एनआईएस के लिए, हाँ थोड़ी कॉलेजेस हैं जो शायद ओपन लर्निंग को नहीं ले, डिस्टेंस लर्निंग को नहीं ले, ये मुमकिन है। मैंने जो मेरी माशाल्लाह भतीजी है जो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह एनआईएस से उसने पढ़ाई की, जर्मन स्टडी कर रही है, तो उससे बात करते करते मैंने सोचा कि अगर जर्मनी जाना है, बाहर जाना है, तो व्हाट अबाउट इट, सेम थिंग, जर्मनी में तकरीबन बहुत सारी कॉलेजेस है जो लेती है ओपन स्कूलिंग और नहीं लेती। अब मैं आपसे पूछता हूँ, मेरा एक सवाल है कि एनआईएस में आपको पास होके कितने कॉलेजेस जाना है। मसले इंडिया में 5000 कॉलेज है, 5000 में से बस कम 50%, 2500 कॉलेज नहीं लेती आपको बच्चों, आपको कितनी कॉलेज जाना है, मुझे चाहिए आपको एक जाना है। हम वो उस चीज पे क्यों फिक्र करें जिसपे हमारा काबू नहीं है। आज हम दो चीज कर सकते थे, हम नेगेटिव हो सकते थे, हम ये वर्कशॉप बंद कर सकते थे, या हम कहते हैं कि दिस विल कंटिन्यू डिस्पाइट द पीपल अराउंड एंड वी कंटिन्यू। आज कौन जीता, जो हार नहीं मानता वो जीतता है। मोहम्मद अली मेरे फेवरेट बॉक्सर है, वो कहते हैं यू कांट डिफीट अ मैन हु डजंट एक्सेप्ट डिफीट। आप हार मत मानिए, आपका 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 नुकसान नहीं है, आप खड़े होइए बार बार। सो दिस इज वन ऑफ द रीजन कि जितनी कॉलेजेस नहीं लेती उस पर नहीं फोकस करके आप उन पे फोकस कीजिए जो लेती है। और एनआईएस से आप एनआईटी नीट जो है नीट लिख सकते हैं। नीट के बारे में 2 साल पहले एक स्टेटमेंट आया था कि एनआईएस के बच्चे को नीट नहीं लेती है। NIS बोर्ड फॉर द केस, सुप्रीम कोर्ट तक केस गया और अभी उस केस पे स्टे है, तो आप बिल्कुल नीट एग्जाम लिख सकते हैं। हाउ डू यू पास अ JEE एग्जाम, आप IIT कैसे पहुंचेंगे, मैं आपको मिसाल देता हूं। किसी ने एक प्रोफेसर को पूछा कि सर IIT जाने का रास्ता मुझे बताइए, मैं IIT कैसे पहुंचू, दिल्ली पहुंच गया था, दिल्ली में भी IIT है, बॉम्बे में है IIT, पवई मद्रास में IIT है, यू नो, तो मैं IIT कैसे पहुंचू, वो जाहिर सी बात है वो रास्ता पूछ रहा था। तो प्रोफेसर साहब ने कहा बेटा IIT पहुंचने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी, प्रैक्टिस करनी होगी, प्रैक्टिस करनी होगी, लगन मेहनत, ये चीज IIT आपको लेके जाएगी, ना कि ये फिक्र करना कि मैं बोर्ड कौन सा दू, ये बोर्ड में क्या होगा, क्योंकि आपके पास मिसाल है। अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो मैं रेकमेंड करूंगा सुपर 30 देख के आइए, बेहतरीन काम किया हृतिक रोशन ने आनंद कुमार के ऊपर, और ये होता है IIT क्रैक करने का। ये वो बच्चे हैं जो गरीब तबके के, उनके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, किताबों के पैसे नहीं है, पर उनकी मेहनत से सुपर 30 में हर बच्चा आज IIT जाता है। वैसे रहमानी 30 है, देयर सो मेनी अदर इनिशिएटिव्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। IIT जाने के लिए बोर्ड की फिक्र मत कीजिए, मेहनत की फिक्र कीजिए। अक्सर मुझे जो पेरेंट ये सवाल पूछते हैं उनके बच्चे 7th 8th में, मैं बताऊं आपका बच्चा कितने दिन मोबाइल में रहता है, वो कहता 3-4 घंटे रहता है, मैं बोलता और आप उम्मीद करते हैं आपका बच्चा IIT जाएगा। प्रॉब्लम हमारे अंदर है और हम बाहर ढूंढ रहे हैं। इट इज नॉट अबाउट बोर्ड, इट इज अबाउट अस।
सो ऑन दैट नोट माशाल्लाह ये आज की टॉप कंपनीज है, नेटफ्लिक्स है, एलन मस्क की टेस्ला है, गूगल, फेसबुक, ट्विटर, आज इन्होंने स्पेसिफिकली कहा है कि हमको ऐसे लोग चाहिए जो ग्रेजुएट नहीं हो, जो स्किल्ड हो, उनके अंदर कोई सलाहियत हो, दे हैव 21st सेंचुरी लाइफ स्किल्स, और ये हम फोकस करते हैं। मैं स्काई एजुकेशन में यही काम करता हूं, मैं बच्चों को स्किल्स सिखाता हूं, मैं एहसास दिलाता हूं कि बोर्ड जरूरी है आपको एक सर्टिफिकेट के लिए, बोर्ड इसलिए जरूरी है कि आपको एक पहचान बने, बोर्ड इसलिए जरूरी नहीं है कि लाइफ में आगे नहीं जा सके या आगे जा सके, वो आपकी लगन, आपकी मेहनत, आपकी 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 सोच आपको आगे लेके जाएगी। सो दिस इज अ समरी ऑफ व्हाट एनआईएस इज ऑल अबाउट। मेरा फोकस या एनआईएस सेंटर बनाना या एग्जाम देना नहीं था, मेरा फोकस ये था कि आप एनआईएस को समझें।